हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेंडी। आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 13th एपिसोड में स्वागत है। ये जो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड की सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका आईसीआर का अपकमिंग जेआरएफ का एग्जाम है या एसआरएफ का एग्जाम है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो भी स्टूडेंट्स दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इफको का एग्जाम होता है, आपका IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है या ASRV AO का एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड का सीरीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर की जो न्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से आपको पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सभी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आर 13th एपिसोड है आज हमारा 2022 का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन हैज डेवलप्ड ए लो ग्लिसेमिक इंडेक्स राइस वैरायटी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन है, CERVA, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स राइस वैरायटी डेवलप की है, तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, IRRI 147, राइट। तो जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन है, जो ईरी का जो रीजनल सेंटर है, साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, जो कि कहाँ पे है, हमारा इंडिया में खोला गया है, वाराणसी में रिसेंटली, राइट। तो जो ईरी का साउथ एशिया रीजनल सेंटर है कहाँ पे है, वाराणसी में है इंडिया में। तो इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन है, तो उन्होंने एक ब्राइटी डेवलप की है जो कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है जिसमें, तो वो कौन सी है, ERI 147, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी में हेडक्वार्टर जिसका, राइट। तो उन्होंने अपने कैंपस में एक नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन किया है, राइट, इन द कैंपस ऑफ, मतलब ये जो आपका हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर है जो कि वाराणसी में है, तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, ये इस्टेब्लिश किया गया जो नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है उसके कैंपस में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि वाराणसी में है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा सेंटर है ईरी का, जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑफ ईरी, ईरी का जो पहला रिसर्च सेंटर है टू बी इस्टेब्लिश आउटसाइड ऑफ इट्स हेडक्वार्टर इन फिलीपींस। तो आपको पता है जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ईरी, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में। तो जो इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, तो ईरी का ये फर्स्ट सेंटर है, रिसर्च सेंटर है आउटसाइड फिलीपींस, जो कि कहाँ पे ओपन किए गए हैं, इंडिया में वाराणसी में, राइट। आगे आप देख सकते हैं कि जो एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में, ठीक है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेज टू एक्टिविटीज ऑफ ईरी साउथ एशिया रीजनल सेंटर, राइट। तो जो ईरी का जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है कहाँ पे ओपन किया गया है, वाराणसी में, ठीक है। तो इसने MOU साइन किया है, मतलब ईरी ने जो MOU साइन किया है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, ताकि जो रीजनल सेंटर है उसकी एक्टिविटीज जो है फेज टू की, उसको स्पीड अप किया जाए, स्केल अप किया जाए, राइट। तो जिसमें कि हम मेनली फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे काम कर सकें, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया श्री मनोज आहूजा, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, एंड डॉक्टर जीन बेले, जो कि डायरेक्टर जनरल है ईरी के, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। तो जो डॉक्टर जीन बेली है, ये क्या है, डायरेक्टर जनरल DG हैं ईरी के, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के, राइट। तो आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल सेंटर है आपका, जो ईरी का रीजनल सेंटर है साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ठीक है, तो उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन सर्वा जो है वो ओपन किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है विद कैपेसिटी टू डिटरमिन द क्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ हैवी मेटल्स इन द ग्रेन एंड स्ट्रॉ, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि जो एक मेजर अचीवमेंट है इस सेंटर की, ठीक है, वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ वन लो एंड वन इंटरमीडिएट ग्लिसेमिक इंडेक्स राइस वैरायटी। तो जो ERI 147 है दैट इज लो इन ग्लिसेमिक इंडेक्स कंटेंट, ओके, और ERI 162 जो है उसमें मॉडरेट लेवल का है जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है, राइट। तो ये ओपन किया गया है, मतलब वैरायटीज डेवलप की गई है विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ
जो आपका सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन है और एरी का जो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, तो उनके द्वारा ये जो ब्राइटिस डल की गई जिसमें कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स है, राइट। हमें पता है कि जब इंडिया में हम राइस जो हमारा मेजर फूड है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है राइस को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बट राइस में ग्लिसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो डेट कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज, ओके। तो इसलिए जो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाली वैल्यू, जिसमें कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वैल्यू है, तो इस तरह की जो वराइटीज हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू डीक्रिमिनलाइज मैरिजुआना। एशिया में अभी कौन सी कंट्री जो है जो कि एशिया में फर्स्ट कंट्री बन गई है टू लीगलाइज मैरिजुआना, और हम कह सकते हैं कि टू डीक्रिमिनलाइज मैरिजुआना, तो एशिया में पहली कंट्री है, तो वो कौन सी है? दिस इज योर थाईलैंड। तो इसका जो मेन पर्पज है वो मेडिसिनल और इलनेस वाली जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए लीगलाइज किया गया है, नॉट फॉर द जनरल कंजप्शन के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो थाईलैंड है डेट हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री बन चुका है टू डीक्रिमिनलाइज यानी कि लीगलाइज कैनाबिस यानी कि मरिजुआना, बट वी दे कैच उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, राइट। तो अंडर द डीक्रिमिनलाइजेशन इट इज नो लॉन्गर ए क्राइम टू ग्रो एंड ट्रेड मरिजुआना एंड हेम्प प्रोडक्ट्स और यूज पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू ट्रीट इलनेस। मतलब अगर आप मरिजुआना यानी कि कैनाबिस को ग्रो करते हो, ठीक है, और उसको ट्रेड करते हो विद द पर्पज ऑफ ट्रीटिंग द इलनेस, मतलब मेडिसिनल पर्पज के लिए अगर आप इसको यूज करते हो, उसके लिए आप इसको ग्रो कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर नहीं आएगा, मतलब वो लीगलाइज है, राइट। बट इसका यूज मतलब बट द रिक्रिएशनल यूज ऑफ द ड्रग रिमेन्स इलीगल। मतलब अगर इसमें आप देख सकते हैं कि ड्रग्स वगैरह में यूज होता है तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो थाईलैंड ने इसको लीगलाइज किया कब? 9 जून 2022 को, राइट। थाईलैंड मेड इट लीगल टू कल्टीवेट एंड पोजेस मरिजुआना एज ऑफ 9 जून 2022, ओके। तो थाईलैंड में एक पॉपुलर वैरायटी है मरिजुआना की, इसकी वो कौन सी है? थाई स्टिक वैरायटी, ठीक है, विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर द बे इट्स पोटेंट फ्लावर्स आर ड्राइड एंड टाइड इनटू द स्टिक्स एंड इज ऑफ द ओरिजिन ऑफ मेनी स्ट्रेन्स नाउ ग्रोन ओवरसीज, ठीक। तो जो थाई स्टिक वैरायटी जो है मरिजुआना की वो कहाँ पे ग्रो की जाती है? थाईलैंड में मेनली ग्रो की जाती है, राइट। और इसके लिए तब थाईलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि जो भी इस चीज को हम देख सकते हैं कि पब्लिक स्मोकिंग के लिए यूज करेंगे या फन पर्पज के लिए यूज करेंगे तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेट इज योर इलीगल एक्टिविटी, तो जिसके लिए आपको एक 3 मंथ के जेल टर्म भी हो सकती है या 25,000 baht का फाइन भी हो सकता है, राइट। हाँ, और हम कह सकते हैं कि जो मरिजुआना एक्सट्रैक्ट है जैसे कि ऑयल हो गया डेट रिमेन इलीगल, अगर आप मरिजुआना एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी, राइट। अगर इफ इट कंटेन्स, अगर वो ऑयल में हमारा 0.2% से ज्यादा THC होता है, मतलब टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल होता है, राइट, जो कि मेन कंपाउंड होता है मरिजुआना में, जिससे कि लोगों को जो सेंसेशनल फीलिंग आती है, राइट, तो वो मेन कंपाउंड होता है, डेट इज योर THC। तो अगर इसका कंटेंट 0.2% से पाया गया तो वो भी एक इलीगल एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट इज रिसेंटली पिंक बॉलबॉर्म इन्फेस्टेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द कॉटन फील्ड्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। द पिंक बॉलबॉर्म इज साइंटिफिकली नोन एज, अभी रिसेंटली आपको पता है जो पिंक बॉलबॉर्म है कॉटन का एक डिवास्टेटिंग पेस्ट है कॉटन क्रॉप में, तो इसका एक अर्ली इन्फेस्टेशन देखने को मिला है हरियाणा और पंजाब की कुछ जगह पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि जो पिंक बॉलबॉर्म है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो डेट इज योर पैक्टिनोफोरा गोसिपेला, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो पिंक बॉलबॉर्म है इसका जो अटैक देखने को मिला है इन द कॉटन फील्ड्स में, कहाँ पे? पंजाब में और हरियाणा में। जो पिंक बॉलबॉर्म इन्फेस्टेशन है वो अर्ली स्टेज ऑफ कॉटन क्रॉप में है, इसका इन्फेस्टेशन रिपोर्ट किया गया है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार एंड सिरसा हरियाणा में और भटिंडा एंड फरीदकोट इन पंजाब में, राइट। तो जो पिंक बॉलवर्म की अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लिक्ट करता है लोक्यूल डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 55%, और हम कह सकते हैं कि जो सीड कॉटन यील्ड का जो लॉस हो सकता है इसके अटैक से डेट इज अप टू 90% तक यील्ड लॉस हो सकता है, राइट। और इसका मैं हम कह सकते हैं जो पिंक बॉलवर्म होता है वो मेनली आपकी जो लिंट क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है कॉटन में। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर द चिली फार्मर। इनमें से किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च की प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम चिल्ली फार्मर के लिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, सिंजेंटा इंडियन। तो आप देख सकते हैं कि जो इन एन अटेम्प्ट टू सेव द स्मॉल फार्मर्स
फ्रॉम दिस अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन, जो आपके छोटे किसान होते हैं उनको अनफेवरेबल जो अनटाइमली प्राइस फ्लक्चुएशन होती रहती हैं उससे बचाने के लिए, मतलब वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन आती है आपकी प्राइस फ्लक्चुएशन वो आती है मेनली अनप्रडिक्टेबल मार्केट कंडीशन की वजह से, तो उससे बचाने के लिए फार्मर्स को सिंजेंटा इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्राइस गारंटी इंश्योरेंस स्कीम फॉर द चिल्ली फार्मर के लिए इन एग्रीमेंट विथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया फॉर द चिल्ली ग्रोवर इन गुंतूर। ठीक है, जो मेन इसका MOU साइन किया गया है, इसका जो मेन एम है टू फैसिलिटेट द गारंटरिंग ए फेयर प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर क्रॉप प्रोड्यूस बाय इंडेमनीफाइंग देम फॉर द लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस। तो मेन पर्पज यही है कि जो फार्मर्स है जो कि चिल्ली फार्मर्स हैं, अगर किसी वजह से जो मार्केट प्राइस फेल कर जाता है तो उनके लॉसेज को कवर करने के लिए ये जो स्कीम जो अब लॉन्च की गई है सिंजेंटा इंडिया के द्वारा इन कोलेबोरेशन विद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज India's export of agricultural and processed food products rose by 10% in the first 3 months of the current fiscal year, financial year 2022-2023. अभी recently जो current fiscal year है 2022-23 का, तो उसमें जो 3 month की जो आप देख सकते हैं कि जो report है April to June, April, May, June, उसमें जो India का export है agricultural and processed food product का वो rise हुआ है, तो वो कितने percent up हुआ है? इसका राइट आंसर है आपका बी 14%। आप देख सकते हैं कि जो इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है वो आपका इंक्रीज हुआ है 14% इन द फर्स्ट 3 month ऑफ करंट फिस्कल ईयर, यानी कि 2022-23 के जो 22-23 के जो करंट 3 month है अप्रैल टू जून तक, इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है वो 14% तक अप हुआ है, राइट, एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। जो अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें इस पीरियड में, तो उसके मुकाबले हमारा 14% इंक्रीज हुआ है, मतलब हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इस ईयर में। और अगर हम 2022-23 की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है फॉर द एक्सपोर्ट टारगेट कितना 23.56 बिलियन US डॉलर का टारगेट सेट किया है फॉर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बास्केट अंडर द EBITDA। ओके, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि कितने बिलियन US डॉलर का टारगेट सेट किया है 2022-23 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23.56 बिलियन US डॉलर। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है जो करंट फिस्कल ईयर के जो फर्स्ट 3 month हैं उसमें जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो एक्सपोर्ट है वो कितना 8.6% उसमें ग्रोथ हुई है। जबकि अगर हम बात करें जो फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि दूसरे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं जैसे कि सीरियल हो गए या मिसलिनियस प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, उसमें तो आप देख सकते हैं कि 36.4% की ग्रोथ देखने को मिली है करंट फिस्कल ईयर में जो फर्स्ट 3 month है, राइट, अगर हम इसको कंपेयर करें जो प्रीवियस ईयर के साथ। आप देख सकते हैं कि जो अप्रैल टू जून का जो मंथ थे, ठीक है, 3 month थे जो 2021 वाला फिस्कल ईयर था, उसमें जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट कितना था 642 मिलियन US डॉलर का था। बट अगर आप करंट में देखें तो इसका कितना एक्सपोर्ट है 697 मिलियन US डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया गया है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का। तो आप देख सकते हैं कि उसमें इंक्रीज देखने को मिला है करंट ईयर में। नेक्स्ट इज क्विक लॉन्चेस डैश पोर्टल फॉर द खादी बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। अभी रिसेंटली क्विक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द खादी के लिए फॉर द बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द खादी। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया क्विक के द्वारा? तो दैट इज योर नॉलेज पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है? नॉलेज पोर्टल। आप देख सकते हैं कि जो नॉलेज पोर्टल है फॉर द खादी इज ए प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया किसके द्वारा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द खादी, किस चीज के? टू प्रोवाइड द डिजाइन डायरेक्शंस टू द खादी इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, और ये जो पोर्टल है इसको किसने इनोग्रेट किया? मिस प्रीता वर्मा ने, जो कि क्या है? CEO है क्विक की। और कब लॉन्च किया इसको? कब इनोग्रेट किया गया? 14 जुलाई 2022 को, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। तो पोर्टल कौन सा है? नॉलेज पोर्टल, राइट। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द खादी है उन्होंने सेटअप किया था क्विक, ठीक है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द खादी है ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? क्विक के द्वारा, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ठीक है, कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। ओके, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है क्विक जिसको हम कहते हैं, क्विक की फुल फॉर्म क्या जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो एक स्टेचुअरी बॉडी है जो कि अप्रैल 1957 में फॉर्म की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। नेक्स्ट इज मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स
प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर द मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका लॉन्च्ड रिसेंटली बाय, अभी रिसेंटली मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव है फॉर मेन स्ट्रीमिंग द मिलेट्स, कहाँ पे एशिया में और अफ्रीका में। तो ये लॉन्च किया गया रिसेंटली किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या बोथ एंड बी, इसका राइट आंसर है आपका डी बोथ है, ए एंड बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग दोनों इन्वॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि जो नीति आयोग है एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर द मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया में और अफ्रीका में, कब, 19 जुलाई 2022 को, राइट, इन्हें हाइब्रिड इवेंट में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यानी कि तो जो नीति एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो एक प्रिपेयर करेंगे कंपेडियम ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड में। नेक्स्ट इज एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट द ओईसीड प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2021-2022 इज एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड, अभी रिसेंटली थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ओईसीड प्रोडक्शन कितनी है इंडिया में फॉर द ईयर 2021-2022, इसका राइट आंसर है आपका ए 38.50 मिलियन टन। इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट, तो कितनी एस्टिमेट की गई है, 314.51 मिलियन टन, राइट। उसमें अगर हम राइस की बात करें तो 129.66 मिलियन टन है, वीट की बात करें तो 106.41 मिलियन टन है, उसके बाद अगर न्यूट्रिया कोर सीरियल की बात करें तो वो कितनी एस्टिमेट की गई है, 50.70 मिलियन टन, मेज में बात करें तो 33.18 मिलियन टन, पल्सिस में 27.75 मिलियन टन है, तूर की बात करें तो 4.35। तो रिस्पेक्टिवली दूसरी क्रॉप में आप देख सकते हैं, चाहे ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ओके, रेपसीड एंड मस्टर्ड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 11.75 मिलियन टन है, शुगर केन की बात करें तो 430.50 मिलियन टन है, कॉटन की बात करें तो 31.54 मिलियन बेल्स, और इसमें एक बेल कितना होता है, 170 kg का होता है। जूट एंड मेस्टेक की बात करें तो 10.22 मिलियन बेल है, और जूट एंड मेस्टेक के केस में जो एक बेल होता है वो होता है 180 kg के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट इज द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2021-2022 इज एस्टिमेटेड टू बी, अभी रिसेंटली सेकंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज किए गए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की एरिया एंड प्रोडक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो कितनी एस्टिमेट की गई है इंडिया में, तो डेट इज योर 341.63 मिलियन टन, राइट। इसमें आप देख सकते हैं जो 2021-22 में जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो कितनी एस्टिमेट की गई है, 341.63 मिलियन टन एस्टिमेट की गई है, ठीक है, जो कि शो करती है एन इंक्रीज ऑफ 7.03 मिलियन टन का, मतलब 21% इंक्रीज देखने को मिला है अगर हम लास्ट ईयर की फिगर से कंपेयर करें, 2020-21 से कंपेयर करें, राइट। तो इसमें जो ओवरऑल आप देख सकते हैं जो दूसरी क्रॉप का स्टेटस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो डाल चुका हूं मैं यूट्यूब में, तो आप उसमें वहां पे जाके देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एरियर प्रोडक्शन का जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट का वीडियो है तो उसको आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, स्टे ट्यून्ड विद सिंशियर ब्रेनरी फॉर ऑल द एग्रीकल्चर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।